ठीक है, थैंक यू सर। तो आज की हमारी सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डैशबोर्ड, डैशबोर्ड एक्सेल के अंदर में। तो सबसे पहले इस बात को जानिए कि डैशबोर्ड होता क्या है। जब मैं एक्सेल नहीं सिखाता तो डैशबोर्ड का मतलब मैं समझता था गाड़ी के जो आगे स्टेरिंग के सामने का जो पूरा एरिया होता है उसको डैशबोर्ड कहते थे। जब मैं ज्वाइन किया तो इंटरव्यू में मुझसे डैशबोर्ड के बारे में पूछा गया तो मैंने बोला वो तो कारपेंटर बनाता है, मैकेनिक बनाता है, मैं कैसे बना सकता। उस वाक्य को मैंने अभी तक भूला नहीं है। लेकिन डैशबोर्ड का मतलब होता है कि हर इंफॉर्मेशन का कंट्रोल एक विजुलाइजेशन, दैट कॉल्ड डैशबोर्ड। समझे? हालांकि इसका डेफिनेशन कुछ और हो सकता है लेकिन सिंपल भाषा में हम यही बोलते हैं कि डैशबोर्ड क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन का कंट्रोल है वो आपके एक सिंगल विंडो पे सामने होता है। जैसे कि गाड़ी के सामने गाड़ी की पूरी कंट्रोल होती है, पूरा इंफॉर्मेशन होता है। अब गाड़ी सर, हेलो सर, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा आपके सर? नहीं, स्क्रीन दे दिया मैं। हाँ, लेकिन वो आपके वो आईपीटी एक्सेल स्कूल का आ रहा है आप वो? हाँ, तो मैं डैशबोर्ड दिख रहा है ना। अच्छा, हाँ डैशबोर्ड दिखा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक। तो गाड़ी की पूरी इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड के सामने होती है, सेम डैशबोर्ड कहलाता है कि रिपोर्ट की पूरी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम पे होती है। तो डैशबोर्ड कैसे कैसे होता है? तो जब मैं इंटरव्यू से बाहर निकला तो जाहिर सी बात है हमारे जमाने में गूगल बाबा हुआ करते थे, अब तो गूगल हो गया, हमारे जमाने में गूगल बाबा जी हो गए। हमने डैशबोर्ड सर्च किया गूगल पे और मैं इसको इमेज पे चला, ये है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड जिसे कि पूरी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए से इसी को देख लीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन यहीं पे है और विजुलाइजेशन के साथ, विजुलाइजेशन के साथ इसलिए ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डैशबोर्ड में चार्ट्स क्यों होते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि डैशबोर्ड में चार्ट क्यों डाला जाता है। तो एक सिंपल सा हम आपके सामने एक रिपोर्ट को दिखा रहे हैं। मैं यहां पे मंथ को डाल दिया, एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हर चीज की नॉलेज डिटेल में होनी चाहिए क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अब आपके सामने एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है सेल्स का, तो आप इसको आंखों देख के बता सकते हैं कि 96 द हाईएस्ट सेल और 69 इज द लोएस्ट, 58 इज द लोएस्ट, इजली देख के बता सकते हैं। लेकिन अगर इसी फिगर्स को मैं मिलियंस में कर दूं, तो क्या अब इजली कंपेयर हो जाएगा कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है? क्या लग रहा है विकास जी? हाँ सर। नहीं पता चल रहा है ना? नहीं सर। इसकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है और वो ह्यूमन कैलकुलेटर है वो तो बता ही देगा, लेकिन हर कोई तो नहीं होता ना। तो उसके लिए हम विजुलाइजेशन लगाते हैं। देखिए, हमने विजुलाइजेशन लगा दिया तो इजीली पता चल रहा है कि मई सबसे हाईएस्ट है और फरवरी सबसे लोएस्ट है। या फिर इसका ट्रेंड क्या है, आप चाहो तो इसका राइट क्लिक किया हमने यहाँ पे एड ट्रेंड लाइन हमने कर दिया, ट्रेंड लाइन पता चल गया लीनियर में या फिर एवरेज में पता करना है, मूविंग एवरेज, तो पता चल गया इसका सेल्स का एवरेज क्या चल रहा है। तो इजीली हम इसको कंपेयर कर सकते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसीलिए चार्ट्स के ऊपर ग्राफिक्स ज्यादा होता है, मतलब कि चार्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं और ग्राफिक विजुअल जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है डैशबोर्ड। और जाहिर सी बात है थोड़ी सी हर चीज को थोड़ा सा सुंदर बनाना है क्या,
तो चलो इमेज हमने बता दिया आपको, अब हम बैक टू टॉपिक आते हैं। तो एक्सेल में डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है? देखिए डैशबोर्ड दो तीन तरह का होता है। एक होता है स्टैटिकल डैशबोर्ड, मतलब कि आपको वन टाइम बना दिया, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है वो चेंज दिया, या वन टाइम नहीं बनाया, हर दिन बनाना होता है, लेकिन वो फिक्स होता है, एक ही इंफॉर्मेशन को शो करता है। दूसरा होता है डायनेमिक डैशबोर्ड। डायनेमिक डैशबोर्ड क्या होता है कि अलग अलग एंगल से हमें अपने रिपोर्ट्स को देखना होता है, दैट कॉल्ड डायनेमिक डैशबोर्ड। चलिए हम आपको कुछ डैशबोर्ड के एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है? कुछ बेसिक भी, कुछ एडवांस भी, कुछ मीडियम भी, किसी में कम ग्राफिक्स, किसी में ज्यादा ग्राफिक्स। चलिए 5-7 फाइल हमने डैशबोर्ड की खोली, ठीक है? वन बाय वन चले। ये डैशबोर्ड है हमारे, हम सबसे पहले सिंपल डैशबोर्ड पे आते हैं। ये डैशबोर्ड सिंपल है, मतलब कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारा, ये यहाँ प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट वाइज सेल्स ईयरली है, यहाँ पे मंथ वाइज सेल्स ईयरली है, और यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशंस है, और यहाँ पे हमारा वन वन करके प्रोडक्ट का रिपोर्ट। ये मिक्सअप है, ये स्टैटिकल्स भी है और ये डायनेमिक भी है। डायनेमिक क्या है, क्योंकि हम जैसे प्रोडक्ट वन सेलेक्ट किए तो हमारा रिपोर्ट प्रोडक्ट वन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है? और ये इसका डेटा है, डेटा अपडेट होगा तो हमारा डैशबोर्ड भी अपडेट हो जाए, राइट? दूसरे डैशबोर्ड पे आते हैं, ए डैशबोर्ड देखिए। अब यहां भी हम जो है डायनेमिक है, से मैं रीजन सेलेक्ट कर लिया तो मेरा पूरा रीजन जो है, रिपोर्ट जो है रीजन वाइज होगा। सेल्स पर्सन का नेम मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया, ऐसे मैंने यहाँ प्रोडक्ट वाइज, तो पूरा रिपोर्ट हमारा प्रोडक्ट दिखे, यानी जो प्रोडक्ट आ गया। अब मैं मान लीजिए इसमें अगर कस्टमर टाइप कर दू तो ये कस्टमर टाइप के अकॉर्डिंग आ जाएगा, या फिर सेल्समैन, देखिए सेल्समैन का पार्ट पर्सन पर्सन एग्जांपल है, क्योंकि इसी ओरिजिनल फाइल में नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने इसको डमी बना दिया हुआ है, और ये डमी डेटा है। और कुछ दिखाता हूं आपको मैं डैशबोर्ड की। अब ये देखिए एक ग्राफिकल डैशबोर्ड है, हालांकि इसको मैंने बहुत पहले बनाया था, तो उस समय हमें बहुत कम टूल्स थे, 2003 का बना हुआ है, 2003 ऑफिस बना हुआ है, उस समय मैप हिट चार्ट वगैरह नहीं हुआ करते थे, बट अब फिर से बेटर बन सकता है क्योंकि हमारे पास मैप चार्ट है। सेल्स बाय स्टेट, देखा स्टेट कलर चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा? क्योंकि देख रहे हैं एक जो मैप है, इसको अगर हम यहाँ से ग्रुप में अनग्रुप करता हूं तो आप देखेंगे कि हर किसी का इसने अलग अलग किया हुआ है, ठीक है? आप तो हर स्टेट का अलग अलग बॉक्स बनाया हुआ है, और जब हम इसको बाय स्टेट पे क्लिक करते हैं तो उसी हिसाब से कलर चेंज करता है, और इस पे लगा हुआ है वीवीए प्रोग्रामिंग। वीवीए प्रोग्रामिंग के मदद से किया गया है, क्योंकि तो ये चीजें विदाउट वीवीए से होना मुश्किल था थोड़ा सा, देखिए ठीक है आपको। बट अब तो हीट मैप चार्ट का एडिन मिल जाता है तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं।
पीछे का देख रहे हैं बैकग्राउंड, ये जो बढ़ता है चार्ट है, यहाँ देखिए चार्ट। तो डैशबोर्ड चार्ट में इस तरह का तिग्रन किया जाता है, डैशबोर्ड में चार्ट के साथ इस तरह का तिग्रन किया जाता है। अब ये चार्ट देखिए, सेल्स डैशबोर्ड चार्ट है, डेटा पे सिंपल बनाया गया चार्ट है, तो डेटा हमारा उसको सिंपल इसने बनाया हुआ चार्ट, और इसमें ग्राफिक का यूज किया गया, इसमें टिग्रम ज्यादा नहीं किया गया, इसे वीवीएल वगैरह उतना यूज नहीं किया गया, नॉर्मल रिपोर्ट है, इसके स्टैटिक्स में बोल सकते हैं कि स्टैटिक चार्ट्स है। अब ये देखिए टीम परफॉर्मेंस, तो इस टीम की परफॉर्मेंस के हिसाब से है, और ये सिंपल है, इसमें ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं की गई है, लेकिन इसमें जो है वीवीए का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जैसे इसका हम क्लिक करते हैं हमारा रिपोर्ट चेंज हो रहा है, तो क्लिकिंग का ऑप्शन जो है वीवीए इवेंट माइक्रो के थ्रू लिया गया। अब आगे इसमें और दिखाता हूं मैं, अब ये चार्ट आपको दिख रहा है, इसको इसमें वीवीए का यूज नहीं है, ये बिल्कुल एक्सेल के थ्रू एक्सेल से बना हुआ, इसमें वीवीए का कोई रोल नहीं, एक्सेल एंड एक्सेल फॉर्मूले से बना हुआ। अब जैसे कि मुझे अगर कस्टमर के हिसाब से रिपोर्ट देखनी है, तो मैं कस्टमर को सिलेक्ट किया, मैं रिपोर्ट कस्टमर के हिसाब से, तो कौन सा कस्टमर, कस्टमर 400, अगर मान लिया कस्टमर 401 हम कर देता हूं, तो उसके हिसाब से कस्टमर के हिसाब से मैं इंडस्ट्री भी चाहिए, इंडस्ट्री में कौन सा चाहिए, मुझे सर्विस का चाहिए, तो कस्टमर 401 का सर्विसेज का रिपोर्ट बन गया। अब मैं कस्टमर हटा दूंगा तो इंडस्ट्री के हिसाब से सर्विसेज के हिसाब से, और उसी हिसाब से हमारा रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। इसमें वीवीए का कोई यूज नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो चेकबॉक्स लिया गया है, ये तो वीवीए का बटन है। जी नहीं, हमारे डेवलपर टैग में यहाँ जो यूज होने वाले ऑप्शन से जो है आप फॉर्म कंट्रोल, इसमें वीवीए की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको विदाउट वीवीए भी किया जा सकता है। अब ये रिपोर्ट देखिए, ये फुल्ली वीवीए से बना हुआ रिपोर्ट है। अब जैसे कि ये रिपोर्ट आपको देख रहे हैं, इसमें किसी तरह का फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा, किसी भी तरह का फॉर्मूला आपको इसमें नहीं दिखेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, सारा सारा का सारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा डेटा है। अब वो तो होता क्या है इसमें, ये जो फुल्ली ऑटोमेटेड बाय वीवीए है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक रिपोर्ट हमारा ये बना हुआ है, स्टैटिक्स रिपोर्ट है, इसमें कोई हम चेंज वेंज करके नहीं देख सकते हैं, जैसे इससे पहले हमने सर्विसेज कर दिया या हमने अपना कस्टमर चूज कर दिया तो रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता था, ऐसा इसमें नहीं है। ये पूरी तरह से रिपोर्ट बना हुआ है स्टैटिक्स, लेकिन इसको मैनुअल नहीं बनाया, इसको वीवीए के जरिए किया गया। जैसे इम्पोर्ट पे क्लिक किया और हम यहाँ से अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए आ गया, डेटा सिलेक्ट करके जैसे ही ओपन करेंगे, एक डेटा टैब को क्या करेगा, अपडेट करेगा और पूरा इंफॉर्मेशन को फिल कर देगा, समझे? तो इसमें वीवी का पूरा यूज किया गया। तो इससे बोलेगा सर इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जो देखिए हम जब डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसकी दो यूटिलाइजेशन होती है, एक होती है कि हमने एक डैशबोर्ड बना के कोर्सेज को तैयार कर दिया, तो हमारे नीचे वाले जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो यूज करने वाले हैं वो डेटा को अपडेट करेंगे और उनका डेटा, उनका जो डैशबोर्ड है वो अपने आप रेडी हो जाएगा, ये फुल्ली ऑटोमेशन होता है। दूसरा होता है सेमी ऑटोमेशन, मतलब कि डेटा अपडेट करने के बाद कुछ पार्ट अपडेट होगा, कुछ पार्ट को मैनुअल करना पड़ेगा, और ये जो है फुल्ली ऑटोमेटेड है, इसमें यूजर को कुछ नहीं करना है, जस्ट इंपोर्ट पे क्लिक करना है, डेटा फाइल को सिलेक्ट करना है, बाकी सारा काम इसके पीछे की गई कोड कर देगा। विकास जी समझ पा रहे हैं ना आप? हाँ सर समझ रहा हूँ सर। चलिए एक तो हो गई डैशबोर्ड के सैंपल्स की, अब डैशबोर्ड के हम बात कर रहे हैं स्टेप्स की, कि डैशबोर्ड आपको बनाने के लिए क्या क्या किस किस चीजों पे कमांड करना हो। सबसे पहले आपको फॉर्मेटिंग पे कमांड होनी चाहिए। पहले जो डैशबोर्ड
डैशबोर्ड का रिक्वायरमेंट है वो है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं नवीन जी कि फॉर्मेट में कमांड होना चाहिए? नवीन जी, नवीन सिन्हा जी, हेलो हेलो सर, आप नहीं बोले तो सही अच्छा है, क्योंकि आपका नेटवर्क बड़ी स्लो है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। चलिए, किसी और को आप इस पे कमेंट कर सकता है? शुभ जी, क्योंकि जो हम डैशबोर्ड बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर ही तो फॉर्मेट है क्या? अभी तक जितना भी डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया उसमें मेन फीचर क्या है? फॉर्मेटिंग है ना, जो हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं फॉर्मेटिंग, क्योंकि फॉर्मेटिंग आपको वन टाइम ही करना है ना, हर बार नहीं करना है। जैसे मान लीजिए सेल्स रिपोर्ट, अभी जो थोड़ा देर पहले आपको मैंने बताया, इसमें इसकी जो फॉर्मेटिंग आपको दिख रहा है ना सर, सिंपल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, अरेंजमेंट, ये सबसे पहले इसको करना होगा ना। या फिर अभी जो मैंने आपको फुल्ली ऑटोमेटेड जो वीडियो के थ्रू था ब्राउजर बनाने वाला, इसी को देख लीजिए, इसकी जो पूरी अलाइनमेंट है, अरेंजमेंट है, फॉर्मेटिंग है, यहाँ देखिए जो फॉर्मेटिंग है, ये तो आपको खुद से करना होगा, सबसे पहले इसको डिजाइन करना होगा ना। अगर आप इसको डिजाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे, राइट? तो सबसे पहला फॉर्मेटिंग पे कमांड होना चाहिए। तो फॉर्मेटिंग में बहुत सारे बोलते हैं सर फॉर्मेटिंग क्या है, ये तो कलर करना, बॉर्डर करना, ये चीजें हैं, हम इससे फॉर्मेट, ये तो करना आता ही है, लेकिन उसमें भी आपको अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा ना सर। क्या अपने हिसाब से ही चूज करना पड़ेगा फॉर्मेटिंग? जैसे ये देख रहे हैं आप सर, ये क्या है, आपको कोई चार्ट है, अब चार्ट को इस तरह से इसने रखा है यहाँ पे जो लग रहा है, दिख रहा है सर, विकास जी समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए, हाँ सर समझ में आ रहा है। वो कितना जुगाड़ किया गया है इसके लिए, तब जाके आपको इस तरह की चीजें दिख रही है, दिख रही है ना सर? इसने ये पहले इसको डिफाइन किया, फिर इसको इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से इसने यहाँ पे बैठाया, फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर इसने इस गोले वाले को फिट किया, गोल लगे, और फिर इस गोले पे जो है इस पाई चार्ट को तो ये सारी चीजें, ये ट्रिक्स तो आपको पता होगा तभी कर पाएंगे ना। दूसरा होता है आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला आपकी फॉर्मूला पे अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तीसरा, जिसको कहने की जरूरत नहीं है, चार्ट्स, चार्ट्स की अच्छी खाली चार्ट पे अच्छा खासा प्रैक्टिस होना चाहिए। और चौथे में आपका आता है, वो आता है आपका VVA या VVA इवेंट मैप। अब ऐसा इसलिए बोला कि क्योंकि हम जो डैशबोर्ड बना रहे हैं, अगर आपको और ज्यादा डायनेमिक, और ज्यादा ऑटोमेटेड करना है तो फिर आपको VVA की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेल फॉर्मूले और एक्सेल चार्ट से तो लिमिटेड ही होगा, बट VVA के थ्रू अगर आप बढ़ते हैं तो इसके बारे में और ज्यादा होना चाहिए। इसे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, मैं यहाँ पे कुछ इसी डेटा को लेता हूँ, जो डेटा इसी को लेता हूँ। चलिए, अब मुझे अपने रिपोर्ट पे ये डेटा को दिखाना है,
तो प्रॉब्लम क्या है कि हम इकट्ठा एक साथ इसका चार्ट बना लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि समझ में नहीं आता। हमारी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि वो विथ इन फील्ड को चले, विथ इन नीरज और पूजा के सेल में क्या कंपेयरिंग है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इंडिविजुअली पूजा का मंथली कंपेयर करना है। तो कहने का मतलब है कि हर नाम का अलग अलग चार्ट दिखे तो बेटर है, बट मेरे पास अगर 150 नाम है तो 150 चार्ट एक को देखना बनाना भी क्रिटिकल है और हर किसी को देखना भी क्रिटिकल है, राइट। तो हमने क्या किया कि इसके लिए, अब इसके लिए जो है हमने यहाँ पे कर्सर रखा और हमने वहां पे 1 दिया, ऐसे मैनुअल ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया, इस पे गए और कॉमा 0 और फिर इस पे हमने F4 प्रेस किया और कंट्रोल R हमने कर दिया एंड इसको सिलेक्ट किया इंसर्ट और हमने यहाँ पे चार्ट पे हमने चार्ट। अब इसलिए क्या है कि हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो नीरज आ जाएगा, 3 लिख देंगे तो कविता आएगी, 4 लिख देंगे तो ये मोहन है। एक तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम बोलते हैं कि थोड़ा और, मतलब कि अब पर्सन को यहाँ पे लिखना थोड़ा सा और लगता है, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम किसी और सीट पे, तो मान लीजिए कि हम यहाँ सीट 8 पे इस चार्ट को रखते हैं और अब सीट 8 पे चार्ट रखा हुआ है तो डेटा सीट पे यहाँ सीट 1 पे जाके 1 लिखेगा तो पूजा का आया तो जाके यहाँ पे पूजा है, ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पूजा पे कोई ड्रॉप डाउन होना चाहिए जो यहाँ हम चेंज करें और वहां ऑटोमेटिक चेंज। तो थोड़ा सा और हम अंदर घुसे, हमने कॉम्बो बॉक्स लगा दिया, कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट आना चाहिए तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में गया और यहाँ पे इनपुट रेंज में हमने सीट 1 का ये ले लिया। इससे क्या होगा कि नेम का लिस्ट आ जाएगा, लेकिन जब हम क्लिक करेंगे तो चेंज कहाँ करेगा, तो सीट 1 के यहाँ चेंज करेगा। तो सर 3D सेटिंग में आना चाहिए तो अच्छा दिखना चाहिए, ओके सर। अब देखिए क्या होगा, अब मैं यहाँ से पूजा को सिलेक्ट किया पूजा का चार्ट, नीरज को सिलेक्ट किया तो नीरज का आ गया, कविता को सिलेक्ट किया तो कविता का। कैसे, जैसे मैं यहाँ नीरज को सिलेक्ट कर रहा हूं, एक कॉम्बो बॉक्स क्या कर रहा है कि सीट 1 में यहाँ पे 2 डाल दे रहा है क्योंकि नीरज दूसरे नंबर पोजीशन पे है, इसे 2 डाल दे। ऑप्शन को जैसे 2 मिलता है और नीरज का डेटा शो कर देता है। अब इसमें आप बोलेंगे कि नहीं मुझे डेटा और पिवट दोनों एक साथ दिखाना है, मुझे डेटा और पिवट जो है एक साथ दिखाना, तो हम यहां पे चार्ट इंसर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि इस पे मैं ड्रॉप डाउन ना लगाऊं, मैं जैसे कविता पे क्लिक करूं तो यहां कविता का रिपोर्ट आना चाहिए, मोहन पे क्लिक करूं तो मोहन की रिपोर्ट आना चाहिए। अब एक इवेंट पे रन होगा तो ये तो एक्शन की कैपेसिटी से बाहर है, तो इसके लिए हमें VBA कोड करना है। तो VBA कोड में हम राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी पे जाएंगे, व्यू कोड पे, और फिर यहाँ पे हम VBA का कोड करेंगे। सिलेक्शन चेन हम बोलेंगे A14, हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे रेंज A14 डॉट वैल्यू इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट रो आपका हो गया। मैं यहां पे हो गया सर, तो जितना ज्यादा आप अंदर घुसेंगे, आप बोलेंगे सर VBA कोड था हमें सिंपल कोड दिखना था, हमने आपको भी सिंपल एग्जांपल दिया क्योंकि हमारे इस बैच में कोई भी VBA से एंगुलर नहीं, इसलिए आप
थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं विकास जी के साथ। तो जैसे कि विकास जी, आप जो है हमारे कंप्लीट कोर्स करते हैं, तो उसमें सब चीजें आपको आता है, तो हमें डैशबोर्ड में ज्यादा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। बट आप सिर्फ डैशबोर्ड की क्लास ले रहे हैं, तो इसमें एक छोटी सी कॉज लग जाता है कि हम आपको फॉर्मेटिंग भी कराएंगे, फॉर्मूला भी कराएंगे, चार्ट्स भी कराएंगे और वीए भी कराएंगे। चार्ट्स आपका फुल्ली होगा, फॉर्मेटिंग आपका फुल्ली होगा, फॉर्मूला और वीए जो है ये इसमें उतना ही होगा जितना मोस्टली डैशबोर्ड में रिक्वायर होगा। क्योंकि अगर सिर्फ वीवीए में पढ़ाने बैठू तो इस वीवीए का ड्यूरेशन 50 घंटे के आसपास का जाता है, तो उतना मैं कर दूंगा जिससे आप थोड़ी बहुत ऑटोमेशन कर सकें, जैसे कि अभी आपने यहां देखा। उसी तरह से जो इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, हालांकि वो हम आप इसमें कवर कर देंगे। चार्ट्स इसमें फुल्ली कवर होगा, इसमें हम डायनेमिक चार्ट करते हैं, डैशबोर्ड के लिए नॉर्मल चार्ट नहीं, डायनेमिक चार्ट यूज होता है, तो डायनेमिक चार्ट यूज। तो इन सबों को करने में तकरीबन आपको वही 25 से 30 घंटे का ड्यूरेशन लगता है, और ड्यूरेशन ही एवरेज है। उसके बाद हम आपको एग्जांपल के तौर पे कम से कम 10 रिपोर्ट्स जो है, जो अभी मैंने जिस तरह की रिपोर्ट मैंने दिखाया, उस तरह की रिपोर्ट या जो रिपोर्ट आप समझ सके ऐसा रिपोर्ट डैशबोर्ड में बना के हम आपको बताएंगे। हाँ ठीक है सर। तो बाकी आप लोग भी बाकी लोगों को क्लास में एक चीज बताने का पर्पस सही था कि अगर इस तरह की ऑटोमेटेड डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इन सबों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अभी आप लोगों का फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि डैशबोर्ड के लिए हमें सब कुछ चाहिए, हम पिवट टेबल से भी डैशबोर्ड बना सकते हैं, हम पिवट टेबल से भी अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब बोलेंगे सर पिवट टेबल से अच्छा डैशबोर्ड कैसे बनेगा, तो चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल आपको। डैशबोर्ड में बहुत ही कम फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया, ये पिवट टेबल की स्लाइसर से बनी हुई डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड एक एचआर की डैशबोर्ड है जो कंपेयरिंग कर रहा है टू डिपार्टमेंट और ओवरऑल टू डिपार्टमेंट की एम्प्लॉई से और ओवरऑल एम्प्लॉई से। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका ऑल एम्प्लॉई है कि टोटल एम्प्लॉई 100 है, मिनिमम सैलरी इतनी है, एवरेज सैलरी इतनी है, मैक्सिमम इतनी है, टोटल इतनी है, ऐसी इसका बोनस, ऐसे ओवरटाइम है, परफॉर्मेंस स्कोर भी ऐसे ही है, और यहाँ पे उसकी सिक डे छुट्टी का भी ऐसे। अब वो सिर्फ कंपेयर कर रहा है कि यहाँ पे जैसे कि मैं छोटा करता हूँ, इसने यहाँ पे मान लीजिए कि आईटी को सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए आईटी का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ, और यहाँ इसने फाइनेंस को सिलेक्ट किया तो इस साइड में फाइनेंस की इंफॉर्मेशन। तो इसमें देखिए कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, इसने सिर्फ एक फॉर्मूला लगा रखा है, वो लगा रखा है एग्रीगेट, और इस सिर्फ एक फॉर्मूले एग्रीगेट फॉर्मूले से इसने ये डैशबोर्ड तैयार हो गया। बात समझे? लेकिन इसकी भी तो लिमिटेशन है ना। तो डैशबोर्ड हम सिर्फ पिवट टेबल से भी बना सकते हैं, ठीक है सर? विकास जी? हाँ ठीक है सर। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय, गुड नाइट।